लव्यवस्था अध्याय 9 कुलपद 24। आठवें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इसराइली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा और इसराइलियों से यह कहे कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो जो एक वर्ष के हों और निर्दोष हों, और मेल बलि के लिए यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सबको वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लोहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लोहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लोहू को लगाया और शेष लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और मांस और खाल को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया। तब होम बलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया, और उसने अतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया, और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया, और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया। और बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए, और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दे दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया, और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया, और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई, परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग ने निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया।